क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। बीमारी मुझे नहीं, मेरे पापा को है। मालूम है, तुम्हें छूकर मुझे तुम्हारे पिता के बारे में पता चल गया। तुम्हारे पिता को मामूली सी बीमारी है, इन्हें किसी डॉक्टर को दिखाओ, ले जाओ यहां से। यहां पे सिर्फ उन्हीं लोगों का इलाज होता है जो डॉक्टर से इलाज करने के बाद हार चुके होते हैं। ले जाओ यहां से। बाबा जी, मेरी बेटी संध्या बहुतों से मेरा इलाज करा के हार चुकी है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा जी, आपके बारे में पता चला इसलिए हम लोग आपसे मिलने चले आए। अब आप ही कोई कृपा कीजिए बाबा जी। मजबूरी में। कैसी मजबूरी बाबा जी? पूछो अपनी बेटी से, वो सिर्फ तुम्हारी इच्छा के कारण यहाँ पर तुम्हें लाने के लिए मजबूर हुई है। विश्वास हर इलाज की दवा है, अगर वो नहीं है तो सब व्यर्थ है। कृष्णा जी। बाबा समझ गई, आइए मेरे साथ। देखो संध्या, बाबा जी ने ठीक ही कहा कि तुम अपने पिताजी का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करा लो। नहीं नहीं बेट, हम बाबा से बड़ी उम्मीदें लेकर आए, वो तो सबको ठीक कर देते, मुझे भी ठीक कर देंगे। बेटा, अगर मेरी बेटी संध्या से कोई गलती हो गई हो तो ऐसे माफ कर देना बेटा। कृष्णा दीदी, हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन हम पापा का इलाज यहीं से करवाएंगे। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं, बाबा जी ऐसे किसी का इलाज नहीं करते हैं। मैं समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पीड़ित यानी कि मरीज, उसका इलाज शुरू होने से लेकर खत्म होने तक पीड़ित को यही इसी आश्रम में रहना होता है, और उनके साथ कोई स्त्री, चाहे वो उसकी बेटी हो या बहन हो या फिर पत्नी हो, उसे भी मरीज के साथ ही इलाज के दौरान कुछ दिनों तक आश्रम में रहना होता है। क्या तुम ठीक है दीदी? मैं अपने पापा के साथ रह जाऊंगी यहाँ। लेकिन संध्या, यहाँ रहने के लिए आश्रम के अपने अलग नियम कानून हैं, और जो भी उनके साथ रहेगा उसे उस नियम का पालन करना पड़ेगा। क्या तुम कर पाओगी? हाँ मैं कर लूंगी। मोहन, इनसे फॉर्म भरवा लो, साइन करवा लो। आई रजनी है, ये मानसिक रूप से बीमार है, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। इसके घर वाले खुद ही इसे यहाँ इलाज के लिए छोड़ के गए हैं। ये कब ठीक होगी? शुद्धि के बाद। अच्छा, ये शुद्धि क्या है?
बाबा की जिस पर कृपा होती बाबा उसे शुद्धि के लिए बुलाते हैं। और जिस किसी को भी शुद्धि का बुलावा आ गया तो मानो उस दिन से उसके सारे कष्ट दूर। अच्छा, तुम घबराओ मत, बाबा की जय। ये मेरे साथ क्या किया जा रहा है? रजनी, तुम्हें शुद्धि के लिए तैयार किया जा रहा है। शुद्धि? कैसी शुद्धि? तुम्हें अभी सब पता चल जाएगा। रागी, आ जाओ। बाबा ने मेरी शुद्धि कर दी, मेरा जीवन मंगल हो गया, मैं तो धन्य हो गई। बाबा सबकी शुद्धि करते हैं और देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बाबा की जय हो, जय हो। शुद्धि से पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई, यही तो है बाबा की शुद्धि का चमत्कार। और रजनी, संध्या, बाबा के चमत्कार देखते रहो, बाबा सब ठीक कर देंगे। और बहुत जल्दी तुम्हारे पिताजी भी ठीक होंगे। जय हो बाबा। जय हो। विष्णु, चला आइए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, ठीक 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 ठीक। आई 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 बनेगा। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। चलिए 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 चलिए। आज का विषय है मनुष्य। मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन है एक दूसरे की सहायता करना।
अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता करता है उसमें ही ईश्वर की भक्ति है। और मेरा मानना भी यही है, अगर मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा तभी उसका जीवन सफल होगा। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। इसीलिए मेरी आप लोगों से ये विनती है कि एक दूसरे की सहायता करें, उनके काम आए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। हाँ बेटा, ये सब बाबा की कृपा है। बेटा, सब बाबा की कृपा है। ये तो चमत्कार हो गया पापा, ये चमत्कार हो गया। हाँ, मैं तो इसे कहा करता था ना बेटा कि हर बाबा ढोंगी नहीं होता है। नहीं होते है। बाबा सच कह रहे थे। अब मुझे सहारे से सही, लेकिन मैं चल तो पा रहा हूँ। और अगर बाबा की कृपा रही तो मैं एक दिन पूरी तरह अच्छा हो जाऊंगा। पापा बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पापा बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलिए पापा। अब तक जो संध्या इस बाबा को ढोंगी समझ रही थी, इस चमत्कार ने उसके विचार को भी डगमगा दिया। संध्या समझ नहीं पाई कि बाबा ने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए चारा डाला है या वो सचमुच चमत्कारी थे। दोस्तों, ऐसा ही अक्सर आम और भोली भाली जनता के साथ होता है। वो बाबाओं के ट्रिक्स और धोखे को चमत्कार समझने की भूल कर बैठते हैं और उनके झांसे में फंस जाते हैं। अगर इंसान अपने विवेक और समझदारी से काम ले, अलर्ट रहे, तो इन बाबाओं के चंगुल में फंसने से बच सकते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। संध्या बाबा के जाल में फंसती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत, और आगे उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। शांति शांति। शांति बाबा। शांति, अनजाने में आप पे भरोसा नहीं करके मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मैं माफी के हकदार भी नहीं हूं। लेकिन ये रूप मैंने अपनी मर्जी से धारण किया है। कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में ले लो बाबा। माया है, सब प्रभु की माया है।